हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सबको ये अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे Digisto 24 के नाम आप सुने होंगे, नहीं तो आप अफिलिएट जो मार्केटिंग है आप उसके बारे में सुने होंगे। अफिलिएट मार्केटिंग क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ, और मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उस पर नीचे भी मैंने अपना लिंक डाल दूंगा, जो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, जो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ वहाँ पे, वो फ्री ब्लॉगिंग कैसे कर रहा हूँ और वहाँ पे मैंने लिंक डाल दूंगा। मेरे को कोई होस्टिंग का मैं होस्टिंग नहीं खरीदा और डोमेन भी नहीं खरीदा, तो मैं वहाँ पे फ्री में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो 3 साल से ये करते आ रहा हूँ और मेरे को काफ़ी चीज़ के नॉलेज हो चुका है इसी फील्ड में। तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, अभी सोचूंगा आगे कि आगे डोमेन लेना है, होस्टिंग लेना है, क्या करना है। तो मैं आपको आज ये वीडियो बताऊँ, ये वीडियो, इस वीडियो में आप लोगों को मैं स्टेप बाई स्टेप समझाने वाला हूँ। एक्चुअली Digisto 24 जो है वो एक्चुअली एक अफिलिएट प्लेटफॉर्म है। आपको आपने बहुत सारे चीज़ सुने होंगे अफिलिएट का नाम, जो बहुत सारे अफिलिएट प्रोग्राम होता क्या है। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दूँ, एक्चुअली अफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, किसी और का प्रोडक्ट को आप प्रमोट करेंगे, आपका वेबसाइट थ्रू, आपका सोशल मीडिया थ्रू, आपका जहाँ पे आप प्रमोट कर सकें किसी और का प्रोडक्ट को आप थ्रू आउट प्रमोट करेंगे। आपका जो ब्लॉग है, वेबसाइट है, आपका यूट्यूब चैनल है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, आपका इंस्टाग्राम ग्रुप है, आपका इंस्टाग्राम पेज है, जो भी आप कोई भी सोशल मीडिया में सेल करते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं, वहाँ पे कुछ सेल जनरेट होता है, तो उसके बदले में आप लोग को कुछ कमीशन मिलता है। तो इसको हम लोग मतलब सिंपली फंडा में हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग जो है कहते हैं, यानी कि हम लोग प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली हम लोग का नहीं है, किसी और का प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट करके जो कमीशन मिलता है, दैट नोन एज अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, मैं आप लोग को ये वीडियो में आप लोग को कैसे हम लोग को Digisto 24 जो है वहाँ पे काफ़ी हाई कमीशन जो है 85%, 50%, 75%, 100% तक भी कमीशन मिलता है वहाँ पे Digisto 24 में आप लोग को, वो भी डॉलर में मिलता है आप लोग को। मैं आपको वहाँ पे जाके आज की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताऊँगा। अगर आगे आपको ज़रूरत पड़ा तो कहीं पे कुछ इश्यू आया, आप उसे प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट को, आप प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे फ्री क्लासिफाइड साइट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, या तो इंस्टाग्राम ग्रुप में आके फॉलो कर सकें, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज आई डी जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो फिर आप मेरा चैनल आर्ट जो है वहाँ पे जो चैनल का बैनर लगा हुआ वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम की आई डी लगा हुआ है, आप वहाँ पे जाकर डायरेक्ट क्लिक करके मेरे को फॉलो करके वहाँ पे मेरे को सवाल कर सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, देखिए अभी हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आने के बाद आपको करना क्या है, आप गूगल क्रोम जो है या तो फिर मोजिला फायरफॉक्स जो भी आपका पास ब्राउजर वगैरह है आप उसको खोल लीजिए। ठीक है, खोलने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है डीजी, पहले ऐसे मैंने टाइप करके रखा था इसीलिए आ गया Digisto 24। ठीक है, जैसे Digisto 24 टाइप करेंगे आप, आपको ऐसा इंटरफेस जो पहला वाला जो लिंक कह रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, ये जो लिंक आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस खुल कर मिलेगा आपको। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देख लीजिए जो साइड है कितना अच्छा बनाया हुआ है, और काफ़ी सारा जो है इसमें काफ़ी सारा फीचर है, और जो आप जो वर्क फ्रॉम होम है या तो फिर आप घर बैठे कैसे पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हैं घर बैठे, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे आपको करना क्या है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, एक बार साइट को आप चेक कर लीजिए। ठीक है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस खुल के मिलेगा। ठीक है, ऐसा इंटरफेस खुल के मिलेगा, यहाँ पे देखिए साइन अप आज वेंडर आज अफिलिएट यहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख पा रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बिटवीन बोथ अकाउंट मोड इन द बैक ऑफिस ऑफ Digisto 24, दिस वे यू सेल योर ओन प्रोडक्ट्स एंड प्रमोट देम ऑन द मार्केट प्लेस वाइल अर्निंग कमीशंस थ्रू एडवर्टाइजिंग अदर वेंडर्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये दोनों जो जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ अफिलिएट पे क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग को अभी ऑनलाइन जो है काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अफिलिएट पे क्लिक करना है। अफिलिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी अपना यूजर नेम डाल दीजिए। ठीक है, जो यूजर नेम डालेंगे आपका अपना नाम डाल सकते हैं, या तो फिर आपका हिसाब से कोई भी यूजर नेम अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मेरा जो यूजर नेम है मैं अभी उसको डाल रहा हूँ अभी फिलहाल।
मैंने जो यूजर नेम सिलेक्ट किया उसी को डाल रहा हूँ। ठीक है, यूजर नेम डालने के बाद आपका पास एक लिंक जो है ये योर एफिलिएट लिंक जो है ऑटो जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जो ईमेल है आप उसको ईमेल को डाल दीजिए। ठीक है, ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ पे वापस रिपीट ईमेल जो है वो भी सेम डाल दीजिए। ठीक है, रिपीट ईमेल डालने के बाद यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो आप अपना हिसाब से पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वापस रिपीट पासवर्ड डाल दीजिए। देखिए अभी यहाँ आने के बाद अभी ये जो टाइम जोन है ऑटो सेट है। ठीक है, ये ऑटो सेट जैसे टाइम जोन होने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो मिस्टर एक्स्ट्रा टाइटल दिख रहा है आप यहाँ पे कुछ भी आपका जो डाले थे, ये जो आपका जो यूजर नेम डाले थे उसको डाल सकते हैं या तो फिर आपका कोई भी नाम वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने अपना नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया और यहाँ पे जैसे कि कंपनी मांग रहा है तो कंपनी हम लोग का कुछ है नहीं, तो हम लोग एफिलिएट पे क्लिक किए हैं। अगर वेंडर पे होते तो वेंडर कंपनी फिलअप करना पड़ता हम लोग को, जब हम लोग एफिलिएट पे हैं तो हम लोग को करना क्या है कि वो छोड़ देना है। ठीक है, अभी मैं डाल रहा हूँ अपना जो एड्रेस है आप उसको डालिए। ठीक है, डालने के बाद आप यहाँ पे आपका जो हाउस नंबर है जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वार्ड जो जैसे कि आपका जो हाउस नंबर जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जो पिन नंबर है वो डाल दीजिए। डालने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका जो सिटी है वो डाल दीजिए। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे आपका स्टेट जो है आप जैसे एड्रेस डिटेल फिल करते हैं वैसे एड्रेस वगैरह फिल कर दीजिए और एंड जो है यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है उसको आप डालिए। उससे पहले कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपका जो कंट्री कोड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप वो मोबाइल नंबर डालिए। अगर कोई स्काइप नेम और टेलीग्राम आईडी है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, पर ये जहाँ पे स्टार मार्किंग लिखा हुआ आ रहा है जैसे कि नेम है ये एड्रेस है ये कंपलसरी है। जहाँ पे स्टार मार्किंग आ रहा है ये जैसे देख पा रहे हैं आप, ये देखिए अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे फ़ोन के ऊपर स्टार मार्क है। अब ये जो फील्ड है जहाँ पे स्टार मार्क है वो फील्ड कंपलसरी है, बाकी ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे दोनों पे चेक मार्क कीजिए। चेक मार्क करके फिर आप देख लीजिए वापस एक बार आपका जो आपने जो फॉर्म वगैरह फिलअप किया उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं, ओवरलुक कर सकते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से आपका मर्जी। और यहाँ पे ये रजिस्टर फॉर फी नाउ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट, प्लीज़ टेक ए लुक एट योर ईमेल इनबॉक्स एंड लोकेट द ईमेल दैट वी जस्ट सेंड टू दिस।
यानी कि ये जो ईमेल मैंने डाला था, ये ईमेल पे एक के मेरा जो है कंफर्मेशन ईमेल आ चुका है। मैं वहाँ पे जाके कंफर्म करूँगा तो फिर आगे मैं बढ़ पाऊँगा, जैसे कि मैं मतलब जाके वहाँ पे जाके मार्केट प्लेस पर जाके काम कर पाऊँगा, प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग मतलब प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं, एक ईमेल आया है मेरा ईमेल पे, देखते हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये डिजिटल 24 सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल, जैसे कि ईमेल यहाँ पे बहुत सारे देखिए यहाँ पे आ चुका है हम लोग का। क्लिक योर टू एक्टिवेट योर डिजिटल अकाउंट, ये जो मैंने यूजर नेम डाला था। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं। क्लिक करने के बाद वहाँ पे जो पासवर्ड मैंने डाला था, ठीक है, जो पासवर्ड मैंने उस टाइम पे अकाउंट क्रिएट करने का टाइम डाला था, उसी पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। वापस डालने के बाद एंटर पासवर्ड अबव देन क्लिक हियर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए, अभी क्लिक करने के बाद थैंक यू योर ईमेल एड्रेस एड्रेस हाज नाम विन कंफर्म, ठीक है, यहाँ पे मैं नेवर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अपना जो ईमेल और रजिस्टर आईडी जो है, ठीक है, यूजर नेम और या तो फिर ईमेल आप डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे अपना जो ईमेल डाला था मैंने डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे जो पासवर्ड डालना मैंने डाला था वहाँ पे, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे वो पासवर्ड डाल दूँगा। डालने के बाद करना क्या है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देखिए, वन मोमेंट प्लीज़, अभी ये थोड़ा फेचिंग हो रहा है। देखिए, अभी हम लोग को अभी आ चुके हैं डिजिस्टोर मार्केट प्लेस में। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, देखिए, अभी हमने ये अकाउंट अभी अभी क्रिएट किया, तो इसीलिए ये जो मेरा जो जितना सेल्स वगैरह जो भी है हम लोग का, इनिशियल सेल, ग्रॉस रेवेन्यू जो भी है, आप ये वाला फेज पे देख पाएंगे, क्योंकि आपका ये जो है कमीशन वाला फेज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेड मार्किंग आ रहा है, एक हम लोग को एक यहाँ पे ये जो रेड मार्किंग होकर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि बिफोर यू सेल योर प्रमोट प्रोडक्ट्स प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन नंबर। ठीक है, प्लीज़ क्लिक हियर, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम लोग को एक एक स्टेप को अच्छी तरह फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद हम लोग को अभी फिलअप नहीं करेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अभी ये मैंने मोबाइल नंबर जैसे कि पहले फिलअप कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, सेंड वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद आपको करना क्या है तो मैं आपको बताऊँगा। अभी यहाँ पे मुझे मैसेज आ चुका है, मैं यहाँ पे अभी फिलअप कर रहा हूँ जो मेरा जो कंफर्मेशन मतलब कोड जो आया है, मोबाइल वेरिफिकेशन कोड जो आया है। ठीक है, कोड आ चुका है, अभी मैं ये वेरीफाई कोड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया वो जैसे वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था वो हट चुका है यहाँ से। यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करके देख सकते हैं आपका जो टोटल अर्निंग ऑफ द मंथ है, टोटल अर्निंग वीक्स है, टोटल अर्निंग डे है, टोटल अर्निंग ईयर है आपका, मतलब आपको जैसे आप देखना चाहेंगे आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए ये क्रिएट एक न्यू डैशबोर्ड है। अगर आप डैशबोर्ड को अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब जो शो होगा, तो आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको डॉलर में चाहिए, यूरो में चाहिए, जो भी करेंसी में चाहिए, यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट होकर आ रहा है डॉलर, तो हम लोग डॉलर ही रहने देंगे। तो आपको करना क्या है, अभी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अभी देखिए ये कैंसलेशन रेट है, अर्निंग पर क्लिक्स टोटल जो है, मतलब कितने क्लिक में कितना अर्निंग हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मार्केट प्लेस आएंगे। मार्केट प्लेस में आने के बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखिए, अभी तो एफिलिएट मार्केट प्लेस में क्लिक करना है। देखिए, जैसे हम लोग क्लिक किए, यहाँ पे बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे काफ़ी सारा प्रोडक्ट शो हो रहा है, आप इसमें से कोई भी नहीं चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो पहले दिख रहा है ये एक
ये चल रहा है कि शायद एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि जो डिजिटल, देखिए अभी यहाँ पे एक दूसरा भी आ रहा है, ये जो है डिजिटल प्रोडक्ट है ट्यूब मास्टरी एंड मेंटेनेशन बाई मैट 40 के, इसका मतलब ये जो ट्यूब मैट है यहाँ पे दिखा रहा है, मास्टरी दिखा रहा है, सॉरी ट्यूब मास्टरी जो दिखा रहा है। तो ये हो गया अभी आपका जो यूट्यूब का जो वीडियो जो चैनल है उसको कैसे हम लोग मोनेटाइज वगैरह करते हैं, उसी के ऊपर एक ये एक ई बुक है, ठीक है। इस पर इसको अगर हम लोग प्रमोट करेंगे तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ आ रहा है कि 50% कमीशन, ठीक है। यहाँ पे ये सारा चीज़ दिख रहा है आपको, प्राइस एवरेज कितना है, कमीशन रेट कितना है, अर्निंग शेल जो है कितना है, अर्निंग और कार्ड विजिटर जो है कितने है, तो सारे चीज़ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप प्रमोट नाम पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे प्रमोट नाम पे क्लिक कीजिएगा, देखिए ये वाला जो पेज है ये आपका अफिलिएट लिंक यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैट फॉर हाज एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड योर प्रमोट लिंक, ठीक है। ये हो गया आपका अफिलिएट लिंक हो गया। आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो लिंक है यहाँ पे आपको सिंपली कॉपी करना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कौन सा लिंक है, इसका जो पेज है अफिलिएट वाला पेज है ये कैसे दिखता है, तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद अभी देखिए ये इसको आप एंटर कर दीजिए, ठीक है। एंटर करने के बाद अभी देखिए इनका जो पेज बना हुआ आ रहा है, जो अफिलिएट का जो पेज बना के रखे हैं काफ़ी अच्छा बना के रखे हैं, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें डाल चुके हैं इन्होंने। तो यहाँ पे कोई भी आके अगर यहाँ पे देखिए क्लिक किया टू एनरोल नाउ, यहाँ पे अगर कोई भी अगर खरीदना चाहते हैं तो ये इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आके, जैसे कि आपका कोई कोर्स अगर खरीदता है, कोई भी प्रोडक्ट आपका खरीदता है, तो उसके लिए आपको कमीशन जो है आपका अकाउंट में जनरेट हो जाता है, ठीक है। हम लोग को अभी करना क्या है, देखिए जो ये जो लिंक है अभी हम लोग के फ्री साइड में विदाउट एन वेबसाइट हम लोग कैसे इसको करेंगे अभी, जो मतलब जो बैक लिंक वगैरह है उसको काफ़ी सारा जो है हम लोग को अभी डालेंगे, उस पर लिंक वगैरह डालेंगे और मैं उसको आपको प्रैक्टिकल करके अभी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे गूगल साइट्स, ठीक है। ये गूगल साइट में आपको आना है, ठीक है, या तो आप गूगल डॉक्स में भी जा सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि गूगल साइट में आने के लिए, ठीक है। गूगल साइट में आने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है, ये गूगल साइट में देखिए यहाँ पे मैंने दो चीज़ यहाँ पे दोनों चीज़ मैंने दूसरे एफिलिएट का प्रमोट कर चुका हूँ यहाँ पे, रिसेंट साइट जो है, ठीक है, दो दिन में मैंने दोनों चीज़ प्रमोट किया हूँ। अभी आपको करना क्या है, ये ब्लैंक पर क्लिक करना है, ठीक है। ब्लैंक पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए अभी इनका जो साइड यहाँ पे आ रहा है कि इनका जो पहला जो लाइन लिखे रखे हैं यहाँ पे, तो अभी देखिए ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो हम लोग को अभी इसको अगर कॉपी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो फेस टाइटल है यहाँ पे हम लोग को अभी इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे पेस्ट करेंगे देखिए पेज जो है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। तो मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो हाइपर टाइप दिखा रहा है, अभी मैं बैनर करूँगा या तो लार्ज बैनर करूँगा या तो कवर करूँगा, तो ये जो है कि थोड़ा मतलब जो है फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग को जिस तरह चाहिए उस तरह हम लोग कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैं ये सारे चीज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये रेड कलर हो गया, आप अपने हिसाब से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, मैं थोड़ा शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब करेंगे तो आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि आप अपने हिसाब से करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। यहाँ पे आप कोई भी इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप टाइटल जो है लिख लीजिए कि यूट्यूब का जो रिलेटेड जो भी आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ये शायद यूट्यूब का था, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा एक टाइटल लिख रहा हूँ, और यहाँ पे जो है आप वो सेम टाइटल लिख सकते हैं या तो फिर टाइटल यहाँ पे बदल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जो चेंज इमेज है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए, तो यहाँ पे अपलोड पे जाइए, ठीक है। अपलोड पे जाने के बाद आपको करना क्या है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो वो सारे चीज़ समझ में आएगा आपको, ठीक है। मैं मान कर चले मैं के यूट्यूब का कोई भी एक मैं अभी गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, तुरंत मैं डाउनलोड कर लेता हूँ।
ठीक है। अभी मैं YouTube मोनेटाइजेशन के ऊपर ये प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ये टाइप करने के बाद इमेज पे आ जाऊँगा, ठीक है। जैसे इमेज पे आऊँगा, अभी मेरे को काफ़ी सारा इमेज यहाँ पे मिल चुका है। मैं एक ही इमेज को, अभी ये वाला जो इमेज है मैं इसको ले रहा हूँ। बाकी आपको जो इमेज पसंद आए, आप कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं आपका जो गूगल साइट को, एक फ्री साइट है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अभी ये रहा, ठीक है। अभी हम लोग को करना क्या है कि ये अपलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ड्राइव पाथ मांग रहा है। अभी हम लोग का जो इमेज डाउनलोड किए हैं, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे भी ये बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी आप लोग को आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आपको जैसे चाहिए आप उसी हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। आने के बाद आपको करना क्या है, देखिए अभी मैं आपको सिंपली थोड़ा दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से बना दीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है और इस साइड में टेस्ट दिख रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सेम है, सेम चीज़ें आपको सेम फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर आप इसको ये वाला नहीं चाहिए, तो आपको अगर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप ये डबल इमेज वाला भी सिलेक्ट करते हैं, ट्रिपल इमेज वाला भी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक इमेज और यहाँ पे एक इमेज और यहाँ पे एक इमेज, ऐसा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो क्लिक है, क्लिक टू एडिट, जो टेस्ट जहाँ पे लिखा हो रहा है वो टेस्ट भी ले सकते हैं, या तो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं देखिए अभी ये डबल इमेज वाला ले रहा हूँ, तो यहाँ पे डबल इमेज का दिखा रहा है। तो आपको चाहिए ये वाला चाहिए, तो आपको ये वाला भी दिखाएगा। आपको जो चाहिए आप रखिए, जो नहीं चाहिए आप यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर में जो डिलीट आ रहा है इसको डिलीट कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इसमें आपको एक इमेज डाउनलोड करके दिखाता हूँ, अभी इसका जो लिंक वगैरह है कैसे हम लोग जनरेट करते हैं। अपलोड पे क्लिक करूँगा, अपलोड पे क्लिक करके मैं सेम इमेज अभी यहाँ पे लगा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैसे आप अट्रैक्टिव कितना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को अभी देखेंगे यहाँ पे इन लोग का जो आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे जो आर्टिकल है मैं यहाँ से थोड़ा कॉपी कर रहा हूँ, और बाकी आप जो है आप ये प्रोडक्ट के बारे में लिखना चाहते हैं, जो आप जितना मतलब जितना डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं उतना बेहतर होगा गूगल रैंक करने के लिए, ठीक है। गूगल को एक्चुअली चाहिए क्या है, गूगल किसी चीज़ को रैंक करता है जो लगता है कि आर्टिकल जो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। किसी का कंटेंट अगर आप कॉपी करेंगे तो गूगल कभी रैंक नहीं करेगा, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो पहले आपको करना क्या है, गूगल पे जाइए और यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के बारे में थोड़ा सर्च कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ऑल पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे ये आ रहा है एक यूट्यूब मोनेटाइजेशन जो है कैसे करते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे ये भी आ रहा है, बहुत सारे साइड आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक vidiq.com आ रहे हैं, ये एक ब्लॉग साइट है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इनका पोस्ट थोड़ा पढ़ेंगे, जैसे हम लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग जो पोस्ट कर रहे हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उसको हम लोग को कितना बेहतरीन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आइडिया मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका कंटेंट जो है हम लोग को कॉपी नहीं करना है। थोड़ा आइडिया मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे ला के मतलब एक वर्ड में हो, चाहे आप जो है टेस्ट डॉक्यूमेंट है जो आप लिख सकते हैं नोटपैड में, अब लिखने के बाद यहाँ पे आके वो सारे चीज़ पेस्ट कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी इतना ये सारे चीज़ कॉपी करके आपको लोग को दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कॉपी करके किसी का कंटेंट डाल दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको करना है पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अभी जो लिंक, अभी जो बंदा जो आएगा, अभी आपका ये जब गूगल रैंक करेगा ये पेज को आपका उसका साइड में, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे बहुत सारे मिनिमम 1500-2000 की वर्ड कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पे, तभी गूगल रैंक करता है। तो हम लोग को अभी लर्न मोर करके एक यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लर्न मोर करके डाल रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं ये थोड़ा ऐसा एरो की थोड़ा ये कर रहा हूँ, ठीक है। करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए अभी लिंक को होल्ड करना है, तो लर्न मोर पे जैसे क्लिक करें, देखिए कोई बंदा अगर आप इतना लिख रहे हैं तो कोई इतना तो पढ़ के आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला है नहीं, तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे जाना है, वापस जाना है, ये वाला जो लिंक है इसको कॉपी करना है, ठीक है। आप ये वाला लिंक जो है इसको कॉपी कर दीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप जो साइट बना रहे हैं यहाँ पे, ये लिंक यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये इंसर्ट लिंक, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद देखिए अभी इसका जो कलर है थोड़ा चेंज हो चुका है, अभी मैं इसको आपको पब्लिश करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे भी कलर चेंज कर सकते हैं, और लेटर का स्टाइल जो है उसको भी बदल सकते हैं। मैं अभी इसको येलो कर रहा हूँ फिलहाल,
तो ये लेटर का स्टाइल है, अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो करना है आपको आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी ये कलर थोड़ा नहीं दिख रहा है येलो, तो मैं अभी इसको थोड़ा ब्लू या तो फिर और कुछ कर रहा हूँ, अभी थोड़ा ब्लू कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। करने के बाद आपको करना क्या है, ये सारे चीज़ आपको लिखने के बाद आपको करना क्या है, पब्लिश करना है, ठीक है। जैसे पब्लिश करेंगे यहाँ पे आपको ये पब्लिश टू द वेब मांग रहा है, वेब एड्रेस मांग रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि कस्टम डोमेन है, ठीक है। आपके पास कोई डोमेन वगैरह है तो आप उसको ले सकते हैं, नहीं है तो फिर आपको करना क्या है, आप यहाँ पे कोई भी नाम रख लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यूट्यूब मोनेटाइजेशन रख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी यूट्यूब मोनेटाइजेशन रखा तो नहीं ले रहा है, ठीक है। जो भी इनाम लेगा आप उस हिसाब से, देखिए मैंने जैसे अभी लाइफ टाइम एक्सेस डाला तो ये मतलब ये जो पहले दिखा रहा था एरर आ रहा था, रेड मार्किंग आ रहा था नीचे, एक्चुअल क्या हुआ है कि उसी नाम से जैसे कि यूट्यूब मोनेटाइज वीडियो, ऐसे बहुत सारे लोगों ने गूगल साइड में रजिस्टर कर चुके हैं ये डोमेन पे, तो इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। अभी लाइफ टाइम में लाइफ टाइम यहाँ पर हाइफेन एक्सेस जैसे डाला, और यहाँ पर आप यूट्यूब आगे डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखते हैं यूट्यूब वीडियो मोनेटाइज डालते हैं, अभी इतना तक ले रहा तो शायद नहीं लेगा, नहीं ये एरर आ रहा है। जो आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं आप उसी हिसाब से डाल दीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे डालने के बाद आपको करना क्या है, सर्च सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे ये चेक मार्क नहीं करना है क्योंकि रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजिन टू नॉट डिस्प्ले माई साइट, यहाँ पे अगर आप चेक मार्क करेंगे तो ये साइट जो है आपका पब्लिक को नहीं दिखने वाला है, ठीक है। आपको करना सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अनचेक रखना है, यहाँ पे करना है पब्लिश, ठीक है। अभी पब्लिश करने के बाद अभी हम लोग को ये व्यू पे देखेंगे, ठीक है। हम लोग का पेज जो बना है वो एक्चुअल दिखता कैसे है, देखिए अभी हम लोग को इतना मैंने दिखाया था तो ये इतना अच्छा दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से अगर थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं उसी पेज पे रिडायरेक्ट होता है या फिर नहीं। ये वाला पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए एक्चुअली, ये जो पेज है यहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। देखते हैं वो वाला पेज पे लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद रिडायरेक्ट हुआ या फिर नहीं। देखिए अभी ये जो पेज है, मैं अभी वापस आपको लेके चलता हूँ, ये लर्न मोर पे मैंने लिंक होल्ड करके डाला था, जैसे मैंने लर्न मोर पे क्लिक किया अभी वापस ही ये हम लोग को वही वाला पेज पे, उसका जो अफिलिएट वाला पेज है उस पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, देखिए अभी हम लोग को सेम चीज़ में आप लोग को मोबाइल पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप मोबाइल पे खोलते हैं डिजिटो 24 तो आप क्रोम ब्राउजर पे आना है। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सर्च करना है डिजिस्टोर। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, पर मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा छोटा होता है इसीलिए थोड़ा आपको जो है थोड़ा इश्यू आ सकता है, ठीक है। अभी देखिए ये जैसे डिजिटोर 24 आ चुका है, मैं अभी इसको डेस्कटॉप साइट में ले चुका हूँ। अभी आपका डेस्कटॉप साइट ऑन नहीं होगा तो आप ये जो ये मैं यहाँ पे वापस दिखा रहा हूँ थ्री डॉट्स में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ रहा है डेस्कटॉप साइट मेरा जो है चेक मार्क है, अभी मैं अनचेक करता हूँ, देखते हैं। अभी देखिए ये हो गया, अभी मोबाइल का साइड हो गया, ठीक है। आपको इसको करना क्या है, थ्री डॉट में क्लिक करना है और ये डेस्कटॉप साइड जो है उसको चूज करना है। डेस्कटॉप साइड चूज करने के बाद इसको थोड़ा अभी मैं जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करने के बाद आपको करना क्या है, ये डिजिटो 24 पे क्लिक करना है। देखिए वहाँ पे जैसे पेज दिख रहा था हम लोग को, जैसे लैपटॉप पे पेज वगैरह दिख रहा था डिजिटो 24 का, सेम चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देख आप करना क्या है, आपको रजिस्टर नाम पे यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करना है, या तो आपका लॉगिन आईडी अगर आप कहीं से बना चुके हैं तो कोई लैपटॉप वगैरह में, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। जैसे सेम चीज़ वहाँ पे दिख रहा था लैपटॉप पे, सेम चीज़ यहाँ पे दिख रहा है मोबाइल पे, ठीक है। अगर आपका किसी के पास लैपटॉप नहीं होगा तो आप मोबाइल पे भी ये कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन जो है इसको प्रेस करने ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।